लास्ट ईयर ऐसे घर बैठ के सोच रहा था क्या करूँ, अभी कहाँ ट्रैवल में जाऊँ। उस टाइम यूट्यूब में मुझे मिला एक लड़की, हाँ जी, बट उस किसी हिमाचल के किसी गांव में गई थी वो बीर, और वहाँ से वो माउंटेन के ऊपर से वो जंप कर रही थी, मतलब वो पैराग्लाइडिंग कर रही थी। और मुझे उसके बाद पता चला बीर के बारे में, क्योंकि उसके पहले मैं कभी बीर के बारे में नहीं सुना था। हिमाचल प्रदेश के एक छोटा सा गांव है, टिबेटियन कल्चर वहाँ पे भरपूर है, और उसके पीछे पीछे, मतलब उस लड़की के नहीं, उस वीडियो के पीछे पीछे मैं भी पहुँच गया बीर। जाना कैसे पड़ेगा, दिल्ली होके जाना पड़ेगा, और कोलकाता से दिल्ली के मतलब शॉर्ट टाइम में अगर दिल्ली जाना है तो फ्लाइट सबसे अच्छा है, लेकिन फ्लाइट का पैसा बहुत जाता है, सबको मालूम है। और इसलिए मैंने चूज़ किया ट्रेन जर्नी, और मैंने कोलकाता से बुक किया कोलकाता शियालदा बीकानेर एक्सप्रेस, जो एक दुरंतो ट्रेन है। और मैंने दिल्ली पहुँच गया सुबह 10 बजे, और बहुत ही मतलब जैसे ट्रेन जर्नी होता है ऐसा ही था, ठीक ठाक ही था। और दिल्ली में मुझे 10 घंटा रुकना था, क्योंकि मेरा दिल्ली से बस था बीर के लिए, और रात को 8 बजे था। तो अभी मैं जा रहा हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहाँ पे शाम तक मैं हूँ, तो 7 बजे तक मुझे कश्मीरी गेट पहुँचना है, क्योंकि 7:30 बजे मेरा हिमाचल के लिए बस है। सो क्या होता है दिल्ली। तो मैंने स्टेशन से चला गया फ्रेंड्स कॉलोनी में एक हॉस्टल में, और वहाँ पे जैसे होता है थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, मैंने हॉस्टल के जो वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे जो दोस्त मिला वहाँ पे कुछ घंटे के लिए, उन लोगों के साथ निकल पड़ा शाम को आइसक्रीम खाने के लिए, और उसके बाद चाय भी पिया। उसके बाद सबको बाय बाय बोल के मैंने चला गया दिल्ली का कश्मीरी गेट, जहाँ से मेरा बीच जाने का बस रुके हुए थे। सुबह 6:30 बजे मैं पहुँच गया बीच, और क्यों, पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और उसमें तो मुझे बहुत ही टेंशन आ गया था, क्योंकि पहली बार उतनी ऊपर से नीचे जंप करना था। बीर पहुंचने के बाद मैंने एक हॉस्टल चला गया था, हॉस्टलाइट, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ बोल देंगे तो यूट्यूब वाले बोलेंगे भाई एल्गोरिदम पकड़ लो, 2 वीडियो बना लो, 3 वीडियो बना लो, वीडियो बना लो यार, इतना कुछ वीडियो अगर बना रहे हैं हम लोग, आपको भी चाहिए ना सब्सक्राइब करने के लिए, हाँ तो करो ना सब्सक्राइब। सो मैं अभी जाने वाला हूँ ऊपर, मतलब पैराग्लाइडिंग के लिए। सो मैं अभी निकला हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए, तो आज दिन ठीक ठाक ही है, वेदर भी बहुत मस्त है, ऊपर अब देख भी रहे हो पैराग्लाइडिंग हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करूँ, आज ही पैराग्लाइडिंग कर लूँ, फिर टाइम रहेगा और एक्सप्लोर करने के लिए आसपास का। बस तो मेरा जो पायलट है वो आ रहा है मुझे पिकअप करने के लिए थोड़ी देर में, तो देखता हूँ पैराग्लाइडिंग का क्या है। एक्चुअली ये बीर को ना परिंदों के शहर बोलते हैं, क्योंकि ये जो पैराग्लाइडिंग, ये लगता है लाइक पंछिया लाइक दैट है। राइडिंग के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ, ये जा रहा है भाई साला, चल मिलते हैं नीचे। अरे पर बैठ लगी भाई, आज रेडी। हाँ पॉकेट में जिप है? नहीं है, निकाल लो इनको, मनी बैग आ रही है आपके पास दे देता हूँ। आप कहीं पे भी पैराग्लाइडिंग करो, ये जरूर चेक कर लेना आपके पायलट के पास फ्लाई करने के लिए लाइसेंस है ना। आपके पायलट के पास अगर लाइसेंस ना हो तो आप ये फ्लाइंग डिनाई कर सकते हो। अभी जंपिंग के एकदम लास्ट मोमेंट पे डर के मारे में मेरा जान तो निकलने ही वाले थे, फिर सोचा चलो डर के आगे जीत है, और जय मकाली बोल के दे दिया जाम, अभी जो होगा दिखा जाएगा।
स्मूथ लैंडिंग। उस ग्राउंड में बैठ के आपको लाखी आली का कितनी हसीन ये जिंदगी सुनने का बहुत मन करेगा। कॉपीराइट इशू नहीं तो मैं ही लगा देता। सारा तीन मतलब 200 से 300 पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होता है, और सीजन के टाइम पे ये 1000 के ऊपर भी चला जाता है।